श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज नहीं खेलेंगे हार्दिक पांड्या, निजी कारणों को हवाला देकर वनडे सीरीज से लिया ब्रेक। श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज में टीम इंडिया के कप्तान होंगे पांड्या, 27 जुलाई को खेला जाएगा T20 सीरीज का पहला मुकाबला। सौरव गांगुली को नहीं बनाया जाएगा दिल्ली कैपिटल्स का हेड कोच, फ्रेंचाइजी को है गौतम गंभीर जैसे शख्स की तलाश। आईपीएल 2024 में दिल्ली का रहा था बुरा हाल, टॉप 4 में भी जगह नहीं बना पाई थी दिल्ली की टीम। भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स का छोड़ सकते हैं साथ, रिकी पॉन्टिंग के हेड कोच से हटने के चलते ले सकते हैं फैसला। चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने की वार्नर की पेशकश खारिज, ऑस्ट्रेलिया बोर्ड ने कहा उन्हें पूरी तरह रिटायर्ड मान लिया गया है। वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज ब्रायन लारा का दावा, कहा मुझसे और सचिन तेंदुलकर से बड़ा बल्लेबाज थे कार्ल हूपर। भारत के पूर्व चीफ सिलेक्टर सबा करीम का बयान, कहा शुभमन गिल कप्तानी में पास लेकिन बल्लेबाजी में किया निराश। अपनी मां को याद कर भावुक हुए रविंद्र जडेजा, सोशल मीडिया पर लिखा मैं मैदान पर जो कुछ भी कर रहा हूं वो आपको ट्रिब्यूट है। रविंद्र जडेजा ने एक तस्वीर भी की है पोस्ट, वर्ल्ड कप ट्रॉफी थामे अपनी मां के साथ आ रहे हैं नजर, किसी आर्टिस्ट ने बनाई है ये तस्वीर। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज नहीं खेलेंगे हार्दिक पांड्या, निजी कारणों को हवाला देकर वनडे सीरीज से लिया ब्रेक। श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज में टीम इंडिया के कप्तान होंगे पांड्या, 27 जुलाई को खेला जाएगा T20 सीरीज का पहला मुकाबला। सौरव गांगुली को नहीं बनाया जाएगा दिल्ली कैपिटल्स का हेड कोच, फ्रेंचाइजी को है गौतम गंभीर जैसे शख्स की तलाश। आईपीएल 2024 में दिल्ली का रहा था बुरा हाल, टॉप 4 में भी जगह नहीं बना पाई थी दिल्ली की टीम। भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स का छोड़ सकते हैं साथ, रिकी पॉन्टिंग के हेड कोच से हटने के चलते ले सकते हैं फैसला। चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने की वार्नर की पेशकश खारिज, ऑस्ट्रेलिया बोर्ड ने कहा उन्हें पूरी तरह रिटायर्ड मान लिया गया है। वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज ब्रायन लारा का दावा, कहा मुझसे और सचिन तेंदुलकर से बड़ा बल्लेबाज थे कार्ल हूपर। भारत के पूर्व चीफ सिलेक्टर सबा करीम का बयान, कहा शुभमन गिल कप्तानी में पास लेकिन बल्लेबाजी में किया निराश। अपनी मां को याद कर भावुक हुए रविंद्र जडेजा, सोशल मीडिया पर लिखा मैं मैदान पर जो कुछ भी कर रहा हूं वो आपको ट्रिब्यूट है। रविंद्र जडेजा ने एक तस्वीर भी की है पोस्ट, वर्ल्ड कप ट्रॉफी थामे अपनी मां के साथ आ रहे हैं नजर, किसी आर्टिस्ट ने बनाई है ये तस्वीर। भारत के पूर्व चीफ सिलेक्टर सबा करीम का बयान, कहा शुभमन गिल कप्तानी में पास लेकिन बल्लेबाजी में किया निराश। अपनी मां को याद कर भावुक हुए रविंद्र जडेजा, सोशल मीडिया पर लिखा मैं मैदान पर जो कुछ भी कर रहा हूं वो आपको ट्रिब्यूट है। रविंद्र जडेजा ने एक तस्वीर भी की है पोस्ट, वर्ल्ड कप ट्रॉफी थामे अपनी मां के साथ आ रहे हैं नजर, किसी आर्टिस्ट ने बनाई है ये तस्वीर।